हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिजाइन पैटर्न। ये डिजाइन जो है 4 रो की है और ये जो है 3 की मल्टीपल बनेगा, प्लस 2 फंदे आपको साइड के एड स्टिच लेने हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने लिया है 23 फंदे। और फ्रेंड्स, ये डिजाइन जो है 4 रो की है। तो चलिए डिजाइन पैटर्न बनाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए, फर्स्ट फंदा है, हम स्लिप करेंगे और पूरी रो को इस तरीके से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए, राइट साइड में आपको सीधा ही बुनना है, तो इस तरीके से आप सीधा बुनते हुए पहली सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये बनाने में जितना ईजी है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और डिज़ाइन अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्रेंड्स इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ फर्स्ट रो इस तरीके से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। तो ये पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, ये सेकेंड रो यानी दूसरी सिलाई हमारी है। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, ठीक। अब देखिए, इस फंदे को हमें स्लिप करना है और इस फंदे को हम बुनेंगे। देखिए, यही करना है, वन फंदा स्लिप करेंगे, वन फंदा बुनेंगे, वन स्लिप करेंगे, वन फंदा बुनेंगे, वन स्लिप करेंगे, वन फंदा बुनेंगे, वन स्लिप करेंगे, वन फंदा बुनेंगे। इस तरीके से हमें फर्स्ट रो कंप्लीट करना है। अब देखिए, स्लिप करेंगे और लास्ट का एड स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, हमारा ये 2 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, 3rd रो को आपको क्या करना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को आप इस तरह सीधा बुनते हुए 3rd रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, 3rd रो है, इसको आप इस तरीके से सीधा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 3rd रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, ये 4 रो है रॉन्ग साइड। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। हमने उस बार जो है सेकंड फंदे को स्लिप किया था और 3rd फंदे को बुना था। तो देखिए, हमने ये हमारा साइड का एड स्टिच है, अब इसे हम बुनेंगे, ठीक ना। ये हमारे ये 2 फंदे हो गए। अब हम इसको स्लिप करेंगे, देखिए स्लिप इसको करेंगे, इसको बुनेंगे। स्लिप हमेशा देखिए ऐसे ऊपर सिलाई ऐसे डाल के स्लिप कीजिएगा और फिर इसके बाद ऐसे सीधा बुन लीजिए, ऐसे स्लिप कीजिए, इस तरीके से सीधा बुनी। देखिए, जैसे हमने ये सेकेंड रो में बुना ना, सेम ऐसे ही डिजाइन बनानी है, सिर्फ आपको फंदे चेंज करने हैं। देखिए इस तरीके से, और स्लिप करते हुए देखिए सिलाई को हमेशा ऊपर साइड में ऐसे करके स्लिप कीजिएगा, ठीक। फिर देखिए इस तरीके से, फिर ऐसे बुन लीजिए, इस तरह की स्लिप कीजिए। देखिए, जब हमारे लास्ट में ये 2 फंदे थे ना, वैसे ही हमारे साइड में भी इस बार देखिए 2 फंदे, 1 सीधा बुनेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे, ठीक। अब हमारा ये देखिए 4 रो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। 4 रो में देखिए डिजाइन इस तरह बनकर आई है। जब इसे आप पूरी रो को कंप्लीट करोगे ना, डिजाइन ये 1 से लेके 4 रो, तो देखिए डिजाइन पैटर्न इस तरह बनकर आएगी। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से डिजाइन देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी सी बनकर आई है। बहुत ही प्यारी और डिजाइन एक खूबसूरत है। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। लेकिन इस डिजाइन की एक खास बात है कि आप जब भी इस डिजाइन को आप एंड करें तो आप पहली सिलाई जो ये लास्ट वाली सिलाई है ना, इसे आपको ऐसे सीधा बुनते हुए ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो इसकी फिनिशिंग जो है अच्छी नहीं आती है। तो इसे राइट साइड से इस तरह से सीधा बुनते हुए आप इसे ज़रूर बुनिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है और देखने में देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो फ्रेंड, डिज़ाइन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।